वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल संपूर्ण सिविल्स एक्सप्रेस। इस क्विक रिवीजन सीरीज के अगले वीडियो में हम जानेंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है जो कि फिजिकल ज्योग्राफी में सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक आउटलाइन बताना जरूरी है क्योंकि अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में एक माउंटेन वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, उसका नाम है माउंट सिनबाओ। तो ठीक है, चलिए जानते हैं लोकेशन क्या है इसकी। सुमात्रा आइलैंड वेस्टर्न इंडोनेशिया में, ये प्रीलिम्स से पूछ सकता है, इसकी लोकेशन बहुत बार पूछा भी है। और दूसरा एक फैक्ट, इट हैज़ इरप्टेड इन 2010 फॉर द फर्स्ट टाइम इन पास 400 ईयर्स, मतलब 400 साल से ये डोरमेंट पड़ा हुआ था। इसके आसपास के एरियाज भी देख लीजिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, ऊपर नीचे दो चार माउंटेन होंगे तो देख लीजिएगा एक बार आप एटलस निकाल के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे ज्योग्राफी का। अब बैकग्राउंड क्या है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया सिट्स अलोंग रिंग ऑफ फायर रीजन एंड एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स। बहुत ही वल्नरेबल रीजन है बिकॉज ये क्या है, तीन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का जंक्शन पॉइंट है। कौन कौन सी प्लेट्स हैं, द पैसिफिक, द यूरेशियन एंड द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और साथ में एक और छोटी प्लेट मिलती है, वो है फिलिपिन प्लेट। एक और वल्नरेबिलिटी है क्योंकि ये ट्राई जंक्शन है प्लेट्स का, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का, तो यहाँ पे 400 से ज़्यादा वॉल्केनो पाए जाते हैं जिसमें से 127 करंटली एक्टिव हैं। अब जानेंगे रिंग ऑफ फायर का एक आउटलाइन छोटा सा। थ्री ऑफ द वर्ल्ड्स फोर मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पे कौन कौन से, हेलेना, माउंट फूजी और माउंट पिनातुबो, ये तीनों लोकेटेड हैं रिंग ऑफ फायर में। इसको कई बार हम लोग सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, और 90% से 80% जो लार्ज अर्थक्वेक्स होते हैं वो इसी रीजन में होते हैं, रिंग ऑफ फायर रीजन में। ठीक है, कहां पे, हाउ एंड वेयर वॉज द रिंग ऑफ फायर फॉर्म्ड, कहां पे लोकेटेड है और कैसे फॉर्म हुआ था रिंग ऑफ फायर। द रिंग ऑफ फायर इज द रिजल्ट ऑफ सबडक्शन ऑफ ओशनिक प्लेट्स। क्या होता है, जो हल्की प्लेट्स होती हैं, ओशनिक प्लेट्स होती हैं, वो भारी प्लेट्स के नीचे सबडक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मॉल्टन लावा प्रोड्यूस होता है। और जब सबडक्शन जोन क्रिएट होता है तो वहाँ पे बहुत सारा स्पेस भी क्रिएट होता है। आप जब पढ़ेंगे ट्रेंचेस के बारे में और ये मिड ओशनिक रिजेस के बारे में, तो आपको पता चलेगा प्लेट टेक्टोनिक्स में कि कैसे लावा बाहर आता है। तो वहाँ पे सबडक्शन जोन के कारण ईजिली अर्थक्वेक और वॉल्केनोस फॉर्म होने के कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं। और कहाँ लोकेटेड है, 40,000 किलोमीटर हॉर्स शू शेप्ड रिंग लूप फ्रॉम न्यूजीलैंड टू चिली, पासिंग थ्रू द कोस्ट ऑफ एशिया एंड अमेरिकाज ऑन द वे, मतलब अमेरिका, एशिया, सारे ही कॉन्टिनेंट, लगभग सारे कॉन्टिनेंट अफ्रीका को छोड़ के कवर करता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वेस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक, पूरा एक रिंग। ये इमेज आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, अगर ये आपको ओवरव्यू मिल गया होगा तो ठीक है, नहीं तो ज्योग्राफी की बुक में मेंशनड है ये, एनसीईआरटी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ये एक्चुअली ये एक तरीका है छोटी छोटी चीज़ों को रिवाइज करने का, छोटी छोटी चीज़ों को आपके जहन में आने का, सो दैट कि जब आप वहाँ पे ऑप्शंस देखें तो आपको चीज़ें याद आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद नहीं करना होता है, सिर्फ एक ओवरव्यू होता है तो भी आंसर मिल जाता है। तो प्लीज़ अगर ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को।